हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक इंडिया फॉर यू पर। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम ये सुपर मारियो ब्रदर्स एनईएस गेम को खेल रहे हैं, जो कि निंटेंडो द्वारा लाया गया था आज से काफ़ी साल पहले, और हम सभी ने शायद ही बचपन में ये गेम खेला होगा। तो जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, हम अपने घर में छोटे बच्चों के साथ अपनी पुरानी बचपन की यादें ताज़ा कर सकते हैं इस गेम के साथ। साथ ही साथ इसके साथ और भी हमने बचपन में बहुत सारे गेम खेले होंगे मारियो के अलावा, जैसे कि कॉन्ट्रा है, F1 रेसिंग है, और अलादीन, जंगल बुक, सुपर कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा जंगल, कॉन्ट्रा फोर्स, बहुत सारे गेम्स ऐसे होते थे जो हमने अपने बचपन में खेले हैं, और जिसमें कि सुपर मारियो ब्रदर्स ये हमारा फेवरेट गेम है। सभी ने अपने टाइम पे ये गेम खेला होगा। तो आज हम देखेंगे इस गेम को हम अपने किसी भी कंप्यूटर पे नए या पुराने कैसे कॉन्फिगर कर सकते हैं, और कैसे हम अपने सभी पुराने गेम्स जो कि 8-bit गेम्स हुआ करते थे NES गेम निंटेंडो के, तो हम कैसे इनको प्ले कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। चलिए आज का वीडियो यहीं पे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो NES गेम्स अपने कंप्यूटर पे खेलने के लिए हमें एक इम्यूलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और नेस्टोपिया नाम का ये इम्यूलेटर है, ये सबसे बेस्ट इम्यूलेटर है 8-bit NES गेम चलाने के लिए। तो इसकी साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, वहाँ से जाके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमें इस डाउनलोड फोल्डर पे आना है, और डाउनलोड पे आने के बाद आपको देखिए इस तरीके से ये लिंक्स मिलेंगे यहाँ पे। तो ये विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए भी अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, और मैक ओएस के लिए भी अवेलेबल है। तो विंडोज़ पे देखिए हमारा जो पहला लिंक है नेस्टोपिया वर्जन 1.40 बाइनरी वाला लिंक, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा जो नेस्टोपिया का सेटअप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा ये 1.40 लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि अभी हम इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है वर्जन नंबर चेंज हो जाए लेटेस्ट, लेकिन आपको ध्यान रखना है विंडोज़ के लिए ये बाइनरी वाला वर्जन ही डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको ये दूसरे पेज पर ले जाएगा और आपका डाउनलोड शॉर्टली स्टार्ट हो जाएगा। ये काउंट आपका स्टार्ट होगा, जैसे ही 0 होगा देखिए डाउनलोड आपका यहाँ पे शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। तो ये फाइल हमारी छोटी सी फाइल होती है, और इस पर हम क्लिक करके डाउनलोड फोल्डर में चले जाएंगे, और यहाँ पे देखिए ये फाइल हमें नेस्टोपिया नाम से मिल रही है। इसका अगर मैं प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाऊँ तो साइज़ इसका आप देख लीजिए, यहाँ पे 1.19 MB का है, यानी 1.5 MB से भी छोटा साइज़ है इसका। इसको मैं कट करके अपने डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे लाके। तो देखिए ये zip फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है सेटअप, और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या तो आप 7-zip का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके सिस्टम पे नहीं है तो आप उसको गूगल से जाके सर्च करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, नहीं तो आप डायरेक्टली भी इस पर राइट क्लिक करेंगे फाइल पे और एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आपको ये पूछेगा किस लोकेशन पे इसको एक्सट्रैक्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये अभी डेस्कटॉप पे दे रहा है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो मैं इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसको किसी अदर लोकेशन पे भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है हमारा, और ये इस फोल्डर में आ चुका है। तो ये zip फाइल जो है इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर दिया हमने, और ये देखिए सेटअप हमारा इस फोल्डर के अंदर जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है। अब इसके अंदर देखिए nestopia.exe नाम की ये फाइल है, यही फाइल है जिसके थ्रू हमें अपना सॉफ्टवेयर को रन करना है, और इस रन करने से पहले इसको हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो देखिए मैंने अपनी जो एक्सटेंशंस फाइल हैं वो ओपन करके रखी हुई है व्यू में, मैंने इसको जाके इसको ओपन कर लिया, तो मुझे सारी एक्सटेंशंस फाइल नेम यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको ये जैसे .exe फाइल है ये आपको नहीं दिख रही है, तो आपको अगर आप विंडोज 11 पे हैं तो 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ऑप्शंस में आना है, इसके बाद व्यू ऑप्शन व्यू में आना है। यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, इसके अंदर आपको ये वाला ऑप्शन देखना है हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल टाइप्स, ये चेक रहता है बाय डिफॉल्ट, इसको आपको अनचेक करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए इस तरीके से आपके सामने ये सभी फाइल्स के एक्सटेंशन नेम शो होने लगेंगे। तो जैसे ये एक exe फाइल है इसी को हमें रन करना है, तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा ये सेटअप इम्यूलेटर का ओपन हो जाएगा नेस्टोपिया का। तो मैं इसको
मिनिमाइज कर देता हूँ और देखिए यहाँ पे ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इसको सेटअप करना है। सबसे पहले तो ऑप्शंस में जाऊँगा मैं और वीडियो ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से हम अपना जो भी रेजोल्यूशन है और जो भी हमारी वीडियो सेटिंग्स है उसको हम सेट करेंगे। तो डिवाइस में यहाँ आपका बाई डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी ग्राफिक कार्ड है आपका पहले से इंस्टॉल्ड आपके कंप्यूटर में तो ये वो सेलेक्ट कर लेगा या फिर बिल्ट इन जो भी जीपीयू है वो ये सेलेक्ट कर लेगा। तो मेरा इसने इंटेल जीपीयू सेलेक्ट कर लिया है ग्राफिक्स ऑटोमेटिक। और मोड में आपको रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है जो भी आपके मॉनिटर के हिसाब से बेस्ट हो। तो यहाँ पे मैं देखिए आपको दिखाता हूँ मेरा रेजोल्यूशन जो कंप्यूटर के अंदर है। राइट क्लिक करूँगा डेस्कटॉप पे, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले रेजोल्यूशन मेरा 1920x1080 रिकमेंडेड है। तो मैं इसी रेजोल्यूशन को यहाँ पे सेट कर लूँगा। देखिए ये आ रहा है मोड ऑप्शन और यहाँ पे 1920x1080 ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही आपको भी अपना रेजोल्यूशन चेक कर लेना है बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए, वो आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर फिल्टर ऑप्शन में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रहेगा, यहाँ से आपको इसे चेंज कर लेना है स्केल एक्स पे। फिर यहाँ पे आपको ये देखिए 16 बिट बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपको मिले, तो इससे चेंज करके आपको 32 बिट पे ले आना है। उसके बाद बाकी सभी सेटिंग्स डिफॉल्ट रहेंगी, किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना है। इतना कर लेने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर हमें अपने कंट्रोलर सेट करने हैं, तो इसके लिए हम वापस ऑप्शंस में आएंगे और इनपुट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिए आपको अपने कंट्रोलर को पहले ही कनेक्ट कर लेना है इस सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करने से पहले। मैंने जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट कर रखा है तो मेरे जॉयस्टिक देखिए यहाँ पे डिटेक्ट हो रखा है जिसका नाम है जेनरिक यूएसबी जॉयस्टिक, जो कि यूएसबी जॉयस्टिक है। तो आप अपने रिमोट कंट्रोलर या गेम पैड जो भी है आपके पास वो कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो वायरलेस गेम पैड जैसे कि प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स वाले वायरलेस कंट्रोलर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा और इनको फिर आप सेट कर लेंगे। तो देखिए अगर आप पैड वन सेलेक्ट करेंगे पहला अपना जॉयस्टिक या कंट्रोलर, तो पैड वन ऑप्शन में सेटिंग आप जाके यहाँ पे मैप कर लेंगे जो भी कीज होंगी आपके कंट्रोलर पे। इसी तरीके से सेम आपका प्रोसेस रहने वाला है अगर आप सेकेंडरी कंट्रोलर भी कनेक्ट करते हैं, यानी कि दूसरा रिमोट कंट्रोलर अगर आप कनेक्ट करते हैं। तो पहले का किस तरीके से आपको कॉन्फिगर करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका कीबोर्ड माउस सेट रहता है, तो ये कीज़ आपको दिख रही हैं, इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सभी कीज़ मैपिंग वाले कॉलम में ला के सेट करनी है। आपको देखना है कीज़ वाले कॉलम से और सेट करना है मैपिंग वाले कॉलम से। देखिए मेरा यहाँ पे कंट्रोलर कनेक्ट है ऑलरेडी और डिटेक्ट भी है, तो सबसे पहले मुझे लेफ़्ट की देखिए यहाँ से सेलेक्ट करनी है और यहाँ से मैप करना है। तो ये लेफ़्ट बटन है मेरा, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे माउस से और उसके बाद अपने कंट्रोलर पे मैं लेफ़्ट जॉयस्टिक की को डायरेक्शन की को सेलेक्ट करूँगा। देखिए लेफ़्ट की मेरी सेट हो गई। इसी तरीके से मैं अप वाली की सेट करूँगा, मैप करूँगा, डबल क्लिक करूँगा इस पर और अप डायरेक्शनल की अपने जॉयस्टिक पे मैं हिट करूँगा। तो देखिए वापस यहाँ पे अप डायरेक्शन की भी सेट हो गई मेरे कंट्रोलर के थ्रू। अब मैं राइट की इसी तरीके से सेट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे और राइट की यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो गई। इसी प्रकार से डाउन वाली की भी सेलेक्ट करूँगा, डाउन भी हो गई और फिर यहाँ पे देखिए सेलेक्ट बटन है, सेलेक्ट बटन भी मैं सेट करूँगा। राइट शिफ्ट वाले इस पर क्लिक करूँगा मैं और सेलेक्ट बटन जॉयस्टिक पे दबाऊँगा। इसके बाद स्टार्ट बटन मुझे सेट करना है, एंटर वाले बटन पे इस पर डबल क्लिक करूँगा और स्टार्ट बटन अपने जॉयस्टिक पे दबाऊँगा। इसी तरीके से बी बटन मुझे सेट करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करा मैंने और बी बटन सेट हो गया। ए बटन भी इसी प्रकार से मैं डबल क्लिक करूँगा और अपने जॉयस्टिक पे ए बटन दबाऊँगा। उसके बाद ऑटो फायर बी बटन मैं सेट करूँगा, ये मेरा सेट हो गया और इसके बाद ऑटो फायर ए बटन भी सेट करूँगा जो कि ये मेरा सेट हो गया। इस तरीके से आप अपने सभी बटन्स को सेट कर लेंगे, मैप कर लेंगे अपने कंट्रोलर पे। सेम प्रोसेस आपको अगर सेकंड कंट्रोलर भी मैप करना है तो सेकंड वाले पैड पे आप क्लिक करेंगे, पैड टू पे, और सारे बटन को मैप कर लेंगे। मुझे इसे खाली अभी पैड वन यहाँ पे सेट करना था तो मैंने सेट कर लिया है। और अगर आपसे यहाँ पे कोई गलती हो जाती है मैपिंग में तो आप इसको दोबारा से इस डिफ़ॉल्ट बटन से क्लिक करके इसको वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ला के सेटिंग्स अपनी करेक्ट कर सकते हैं। और जब आप सही से मैप कर लें सारी सेटिंग्स को, इसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है और आपकी सेटिंग यहाँ पे सेट हो जाएगी।
इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस फाइल ऑप्शन में जाना है और ओपन करना है अपनी गेम डायरेक्टरी को। तो मैं अपने गेम्स में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने गेम्स जो भी हैं वो डी ड्राइव में रखे हुए हैं। तो दिस पीसी में मैं आता हूँ और डी ड्राइव में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए नेस गेम नाम से फोल्डर है, इसके अंदर मैंने अपने सभी रोम्स रख रखे हैं जो भी नेस गेम्स के हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। जैसे कॉन्ट्रा गेम मैं खोलता हूँ तो देखिए इसका फॉर्मेट जो है .nes है, यानी कि एक्सटेंशन नेम आप चेक कर सकते हैं। तो इसका साइज देखिए गेम्स का कितना छोटा है, 1.28 KB। तो ये छोटे से गेम है, आपका कंप्यूटर कितना भी पुराना या कम कॉन्फ़िगरेशन का है, हाई या कम है, जो भी उसके अकॉर्डिंग आपके गेम्स ये इजीली चल जाएंगे, बहुत कम स्पेस लेते हैं, छोटे छोटे गेम्स हैं। और गेम्स आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं, ये रोम्स नेस गेम की, आप गूगल से किसी भी साइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से नॉर्मली सर्च करेंगे नेस गेम्स, गेम्स का नाम लिखेंगे जैसे कि मारियो नेस गेम, कॉन्ट्रा नेस गेम, ऐसे करके सर्च करेंगे और आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जहां से आप इनको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इनका लिंक आपको डाउनलोडिंग लिंक नहीं दे सकता यूट्यूब पे, क्योंकि ये कॉपीराइट मटेरियल होते हैं और इसको हम यूट्यूब पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, इससे मेरे चैनल पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो जिनको भी अगर प्रॉब्लम आ रही है ये गेम्स की रोम्स डाउनलोड करने में या गेम फाइल्स डाउनलोड करने में नेस गेम की, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन डायरेक्ट लिंक मैं आपको नहीं दे सकता। डायरेक्ट लिंक अगर आपको चाहिए है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं मेरे साथ और व्हाट्सएप पे मेरे से डायरेक्ट लिंक ले सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे मैं आपको ये डायरेक्ट लिंक नहीं दे सकता। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर लेने के बाद एक फोल्डर में रख लेंगे। जैसे मैंने नेस गेम नाम से फोल्डर बनाया अपने सभी गेम्स को, फेवरेट गेम्स को, तो 8 बिट के नेस गेम जो भी आपके फेवरेट गेम हैं सभी गेम इस पे चलेंगे। थाउजेंड्स ऑफ गेम्स हैं अवेलेबल, आप जाके कोई भी गेम्स अपने फेवरेट गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं और इस सिमुलेटर के थ्रू इसको प्ले कर सकते हैं। देखिए ये मेरी डायरेक्टरी है, तो अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। इसके लिए फिर हमें गेम प्ले करने के लिए फाइल ऑप्शन में जाना है, सिमुलेटर पे ओपन पे जाना है और यहाँ से अपनी डायरेक्टरी चूज कर लेना है। तो डी ड्राइव में मेरे गेम्स रखे हैं, डी ड्राइव में आ गया मैं और नेस गेम नाम का फोल्डर सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके। उसके बाद देखिए मैं जो भी गेम ओपन करना चाहूँ वो गेम यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे सुपर मारियो ब्रदर्स वर्ल्ड को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ फोल्डर को और गेम वाली फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करूंगा यहाँ से। तो देखिए गेम मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसका व्यू ऑप्शन पे जाके मुझे सेलेक्ट करना है इसका रेजोल्यूशन, स्क्रीन साइज। तो स्क्रीन साइज पे जाऊंगा, अभी देखिए 1x पे है, 2x पे करता हूँ तो और बड़ा हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको और बड़ा करना चाहूँ तो 4x पे भी ला सकता हूँ। तो देखिए 4x पे ये और बड़ा हो गया। अभी मुझे फुल स्क्रीन पे अगर इसको लाना है तो व्यू पे जाऊंगा, स्क्रीन साइज पे जाऊंगा और देखिए यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है फुल स्क्रीन। इसका शॉर्टकट कमांड है कीबोर्ड के थ्रू ऑल्ट प्लस एंटर बटन, अगर ये आप कीबोर्ड पे दबाते हैं तो ये आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा या डायरेक्टली आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए ये फुल स्क्रीन आ गया। अभी मुझे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है अपने कंट्रोलर पे और ये गेम देखिए स्टार्ट हो गया। अभी मैं प्लेयर 1 सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि 1 रिमोट कंट्रोलर कनेक्ट है मेरा और आप मल्टीप्लेयर गेम भी खेल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गेम स्टार्ट करता हूँ और आपको गेम प्ले करके दिखाता हूँ। Thank you.
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप गेम प्ले कर सकते हैं। कोई भी गेम्स, नेस्ट गेम यहाँ पे इजीली आप प्ले कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए कितने अच्छे रेजोल्यूशन के साथ इसको प्ले कर रहे हैं। अभी मैं आपको गेम चेंज करके दिखाता हूँ, कोई और गेम प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं फुल स्क्रीन पे हूँ। इसे एग्जिट करने के लिए मैं डबल क्लिक करूंगा अपनी स्क्रीन पे और ऑल्ट एंटर की प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड पे। देखिए इसको मैं नॉर्मल मोड पे ले आया हूँ। अभी यहाँ से फाइल ऑप्शन में जाऊंगा, ओपन करूंगा और कोई और गेम फोल्डर को चूज करूंगा यहाँ पे। अभी देखिए मैं यहाँ पे सुपर कॉन्ट्रा चूज करता हूँ और ये देखिए डबल क्लिक करा मैंने गेम पे चूज करके और ये देखिए मेरा गेम स्टार्ट होने लगा। इसको मैं फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ, व्यू पे क्लिक करके फुल स्क्रीन, और देखिए फुल स्क्रीन पे आ गया। स्टार्ट बटन पे प्लेयर वन सेलेक्ट करता हूँ और मेरा गेम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए गेम मेरा स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। देखिए इस तरीके से आप अपने गेम्स खेल सकते हैं यहाँ पे आराम से। और देखिए कॉन्ट्रा और मारियो, ये इनसे हमारा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। हमें बहुत प्यार था इन गेम से बचपन में, हमने इन गेम को बहुत एंजॉय करा है। और जैसे कि अभी गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, हम अपने घर में जो भी किड्स हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं, उनके संग इन गेम को एंजॉय कर सकते हैं और उनको एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज गिफ्ट इस गेम के रूप में दे सकते हैं। साथ ही साथ और भी गेम्स हैं मेरे पास, मैं उनको भी आपको प्ले करके दिखा देता हूं। तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूं यहां पे और कोई और गेम सेलेक्ट करके देखता हूं। यहां पे क्लोज कर दिया मैंने इसको, फाइल में जाके ओपन करता हूं और कोई और गेम यहां पे ओपन करता हूं। तो देखिए इस बार हम ओपन करते हैं कोई और गेम। देखिए 64:1 वाली जो हमारे पास कार्ट्रिज हुआ करती थी वो इस फाइल में है मेरे सारे गेम। देखिए ये सारे गेम हैं यहाँ पे, ये देखिए ये मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। और इसको फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ मैं। देखिए इस तरीके से आप अब सभी गेम को खेल सकते हैं। तो इसको मैं भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए जब भी हम अपने चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टेक्निकल टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।